नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आए हैं आपके सामने लेकर अपना फिर से एक नया वीडियो। और हमेशा की तरह इस बार भी हमने कुछ डिफरेंट टॉपिक चुना है। और इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं गौर सिटी की 11th एवेन्यू की विजिट। तो दोस्तों, हमेशा की तरह इस वीडियो में हम आपको काफ़ी सारी जानकारी देंगे, लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम विजिट कराएंगे आपको दो फ्लैट्स की, 3 BHK और 1385 और 1500 स्क्वायर फीट। पूरी सोसाइटी की विजिट कराएंगे, जिसमें स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, सेंट्रल पार्क, आपका टेनिस, बैडमिंटन कोर्ट और रीसेल प्राइस की जानकारी देंगे आपको, साइजेस के बारे में बताएंगे और क्या आपका बैंक लोन, रीसेल प्रोसेस और पूरी सोसाइटी के फ्लैट्स की जानकारी देंगे और काफ़ी सारे जो फ्लैट्स के इंटीरियर्स हैं उनकी भी जानकारी देंगे। थोड़ा सा हम बताएंगे कनेक्टिविटी के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं, कनेक्टिविटी से शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो 11th वेन्यू है, ये गौर सिटी 2 के अंदर है। गौर सिटी 1 और गौर सिटी 2 लगभग 2010 के अंदर इनकी लॉन्चिंग हुई थी और आज की डेट में ये अपने आप में एक शहर से कम नहीं है। लगभग 20,000 के करीब दोनों के अंदर यूनिट्स हैं। इसमें 5 से 10 एकड़ की अलग अलग ग्रुप हाउसिंग्स के प्लॉट गौर ने डिफरेंट बिल्डर्स के साथ और ख़ुद भी उनको डेवलप किया है। गौर सिटी 1 में 1st एवेन्यू, 2nd एवेन्यू से लेके 7th एवेन्यू तक एक सेगमेंट जो गौर सिटी 1 में रखा है, वहीं 10th एवेन्यू, 11th एवेन्यू और 16th एवेन्यू तक डिफरेंट एवेन्यूज गौर सिटी 2 में रखा है। स्टेडियम है और सारी फैसिलिटीज़ हैं जो ग्रुप हाउसिंग्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, उनके अंदर स्विमिंग पूल, जिम और क्लब फैसिलिटीज़, एक से एक जो सुविधा दी गई है सोसाइटीज़ को पूरा पॉश बनाने का पूरा प्रोविज़न रखा गया है। तो अभी हम एंटर कर चुके हैं आपके 11th एवेन्यू के अंदर। तो दोस्तों, मैं सारी जानकारी दूंगा, आप वीडियो भी देखते रहिएगा। फटाफट मैं आपसे ये शेयर करता हूँ कि नई नई प्रॉपर्टीज़ के हम वीडियो लेकर आते हैं और हमारे चैनल पर जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। पुराने भी वीडियोस हैं जो, अगर आप गौतम बुद्ध नगर में नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, यमुना एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टीज़ में इंटरेस्टेड हैं और आप डिसीज़न लेना चाहते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ परचेज करना चाहते हैं, या आपको प्रॉपर्टी का शौक है जानकारियों का, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। लगभग हर हफ्ते या महीने में एटलीस्ट 1 or 2 times हम अपने नए वीडियो लेकर आते हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, समय ना गंवाते हुए जल्दी से हम शुरू करते हैं। 11th एवेन्यू के अंदर आपका जो टोटल यूनिट्स हैं, सबसे पहले बात करते हैं, तो इसमें 1910 टोटल यूनिट हैं, 13 टावर्स हैं इसके अंदर। फ्लोर्स जो हैं हमारे 20 फ्लोर्स हैं इसके अंदर। सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि आपका जिम है, किड्स प्ले एरिया है और आपका बैडमिंटन कोर्ट है। इसके अलावा सिक्योरिटी बहुत बढ़िया है, गेट के ऊपर ही लगभग 4 से 5 गार्ड्स हमेशा रहते हैं, जो डिफरेंट अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, रजिस्टर मेंटेन करते हैं, चेकिंग करते हैं, व्हीकल्स चेक करते हैं। तो इस टाइप का सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। गौर सिटी में सिक्योरिटी वैसे भी दुरुस्त है और 11th एवेन्यू में बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। इसके बाद हम जो आपको अभी दिखा रहे हैं किड्स प्ले एरिया, कनेक्टिविटी के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो जो हमारा गौर सिटी का ये 11th एवेन्यू है, यहाँ से अगर हम गौर चौक का डिस्टेंस देखें तो लगभग 2 किलोमीटर के करीब आता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई कमी नहीं है, मोस्टली जो ऑटोज़ हैं वो आपको मिल जाते हैं, ऑटोज़ काफ़ी चलते हैं गौर सिटी के अंदर तक, ऑटोज़ चलते हैं। अभी बसेस का वो नहीं है, आप अपने प्राइवेट व्हीकल्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें खास है, NH24 अभी चौड़ा हो रहा है, तो NH24 यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर पड़ता है। गौर चौक आपका 2 किलोमीटर्स है और NH24 आपका 3 किलोमीटर्स है। अगर हम मेट्रो की बात करें तो यहाँ पे नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है ब्लू लाइन का, अभी 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, वो सेक्टर
52 का मेट्रो स्टेशन है। जो ग्रेटर नोएडा की लाइन है वहाँ पे सेक्टर 51 का मेट्रो स्टेशन है, वो भी लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी हमने आपको बैडमिंटन कोर्ट दिखाया, अब हम आपको स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। मैंने ये वीडियो खुद बनाया तो मुझे अच्छा लगा ये स्विमिंग पूल देख के। मैंने बाकी सोसाइटीज़ का भी देखा है तो ये काफ़ी अच्छा लगा। इसमें दो पूल दिए गए हैं, एक किड्स पूल है लेफ्ट में और राइट में वो है, और जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं रखी गई है, 4 फीट की हाइट है। तो मतलब आपको अगर स्विमिंग नहीं भी आती हो तो आपको डूबने का कोई खतरा नहीं है इस स्विमिंग पूल के अंदर। तो देखते रहिए दोस्तों, मैं आपको और काफ़ी सारी जानकारी कनेक्टिविटी के बारे में बता रहा था। तो गौर सिटी और नोएडा एक्सटेंशन में, जैसा कि मैंने पुराने वीडियोस में भी बताया, एक मॉडर्न टाउन है और हाईली डेंसली पॉपुलेटेड होने वाला है। नोएडा एक्सटेंशन अपने आप में एक शहर बनने वाला है, लगभग 3 लाख से ज़्यादा यूनिट्स ऑलरेडी अभी हैं इसमें, और काफ़ी सारे लोगों का पोजेशन हो गया है ऑलरेडी। यहाँ पे रिहाइश बन चुकी है, काफ़ी सारे कॉमर्शियल्स आ रहे हैं, और इसी अभी हमने रिसेंटली लास्ट ईयर यहाँ पे मेट्रो, जो ग्रेटर नोएडा की मेट्रो है, उसका अप्रूवल भी आ चुका है। तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो ग्रेटर नोएडा वाला होगा वो गौर चौक, या जिसको किसान चौक भी बोलते हैं, वहाँ पर आने का उसका प्रपोजल है उस मेट्रो स्टेशन का। तो फ्यूचर में आपकी कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो जाती है, और गौर सिटी में आपको सारी सुविधाएं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, गलेरिया मार्केट बराबर में है। फिर 11th एवेन्यू से बाहर निकलते ही सामने आपको मार्केट दिखाई देती है। मैंने वीडियो जब आपने शुरू में देखा होगा तो उसमें आपको वो मार्केट दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों, ये था आपका गौर सिटी 11th एवेन्यू की कनेक्टिविटी के बारे में। मैं थोड़ा सा रीसेल का बता देता हूँ। आपको शायद ये पता होगा कि हम गौर सिटी की काफ़ी सालों से रीसेल करते आए हैं, फ्लैट्स की, अपार्टमेंट्स की, और हम एक प्रोमिनियंट प्रॉपर्टी एजेंट हैं गौर सिटी के। अगर आपको 2 BHK, 3 BHK कहीं पे भी गौर सिटी में अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं 3 BHK का, अभी ये अंदर से विजिट करा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप देखते रहिए, इसमें मैं आपको और भी स्पेसिफिकेशन भी बताऊंगा। उस सबसे पहले मैं अपना रीसेल वाला पार्ट भी कवर कर देता हूँ। तो रीसेल का जो प्राइस है अपार्टमेंट्स में, यहाँ पे आज की डेट में हम बात कर रहे हैं अगस्त 2020 में, तो यहाँ रीसेल प्राइस इन अपार्टमेंट्स का लगभग 3700 रुपये पर स्क्वायर फीट से 3900 रुपये पर स्क्वायर फीट है। 2 BHK में जो साइजेस आते हैं, इसमें दो साइजेस आते हैं 11th एवेन्यू में। एक तो 1010 स्क्वायर फीट है, जो आपको लगभग 37 लाख का, 36.5 लाख का और 38 लाख तक आता है। डिपेंड करता है पार्क फेसिंग है, कौन से फ्लोर पे है। नॉर्मली जो लोअर फ्लोर पे जो अपार्टमेंट्स होते हैं वो कॉस्टली हैं, हायर फ्लोर पे थोड़े से आपको सस्ते मिल जाते हैं। तो दो साइज हैं 2 BHK में, आपका 1010 और 1205 स्क्वायर फीट। 3 BHK में जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं 1385 स्क्वायर फीट है, और उसके बाद आपका 1500 स्क्वायर फीट आ जाता है। तो ये आपका वही लगभग 3700 से 3900 के बीच में का रेंज है, इसमें आपको मिल जाता है। फ्लोरिंग वगैरह का वही है कि लोअर फ्लोर और पार्क फेसिंग, पूल फेसिंग आपको थोड़ा कॉस्टली मिलता है। और वेंटिलाइजेशन सभी तरफ है, सभी फ्लैट्स में सभी तरफ का वेंटिलाइजेशन रखा गया है। 4 BHK में अगर हम जाते हैं तो 1880 और 1900 स्क्वायर फीट के हमारे 4 BHK के अंदर इसमें अपार्टमेंट्स हैं। तो दोस्तों, बैंक लोन की बात करें तो लगभग 80% तो हो ही जाता है। काफ़ी सारे केसेस में लोगों की प्रोफाइल के ऊपर इसमें 90% भी बैंक लोन हुआ है। तो इसके बाद दोस्तों, मैं आपको अब अपार्टमेंट्स के अंदर के बारे में बता देता हूँ। अपार्टमेंट्स में जो आपकी फ्लोरिंग है वो विट्रीफाइड टाइल्स की है, लगभग 2x2 की टाइल्स हर कमरे में, किचन में, बाथरूम में आपको मिलेंगी। तो ये लगभग इसमें स्टैंडर्ड रखा गया है, और काफ़ी सुंदर सिमेट्रिक आप देख रहे हैं अपार्टमेंट की फ्लोरिंग काफ़ी बढ़िया है। जो दीवारें हैं, दीवारों के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट बिल्डर ने OBD पेंट करके दिया है। आप इसमें जो भी चाहें वो आप फर्दर अपना इंटीरियर चेंज करा सकते हैं। आप टेक्सचर कराना चाहें, आप कोई और पेंट कराना चाहें, वो आपके ऊपर है। किचन में आपने देखा था कि ग्रेनाइट की स्लैब दी हुई है और स्टेनलेस स्टील का सिंक दिया हुआ है, लगभग सभी अपार्टमेंट्स में दिया है। और जो हमारा ग्रेनाइट का वर्किंग टॉप है, वर्किंग टॉप के नीचे वुडवर्क सभी अपार्टमेंट में करके दिया है। टॉयलेट्स के अंदर इसमें सिरेमिक टाइल्स लगाई गई हैं,
लगभग आपकी जो हाइट जहाँ तक पानी पड़ता है वहाँ तक की हाइट में आपकी टाइल्स लगाई गई हैं, इसमें सिरेमिक टाइल्स लगाई गई हैं। अगर हम ये इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो इलेक्ट्रिफिकेशन में आपका जो है एमसीबीज हैं, एमसीबी दी गई है सेपरेट रूम के लिए, एमसीबी दी गई है और मेन एमसीबी दी गई है, और जो अच्छी क्वालिटी का इसमें वायर्स वगैरह यूज़ किया गया है। तो ये दोस्तों इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया गया है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये विजिट तो हम आप करा रहे हैं, हमारे पास जितना समय है उसके हिसाब से मैं यूटिलाइज करते हुए मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे आप इस अपार्टमेंट को परचेज कर सकते हैं। सारी ही अपार्टमेंट आज की डेट में मोस्टली रीसेल में हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास सारे ओनर्स के कांटेक्ट ऑलरेडी रहते हैं। हम आपकी मीटिंग कराते हैं ओनर्स के साथ, डायरेक्टली आपकी मीटिंग होती है। आपको 10% का चेक देना होता है। 10% का चेक देने के बाद जो सारी टर्म्स और कंडीशंस, कितने दिन के अंदर पेमेंट होना है, क्या होना है, उसके बाद 90% पेमेंट आपको रजिस्ट्री वाले दिन देनी होती है। तो यहाँ पे जैसे कि ये प्रॉपर्टी ग्रेटर नोएडा के अंडर में आती है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर प्रॉपर्टी आती है, तो यहाँ पे फिर वही टीएम भी लगता है आपका। टीएम लगने के साथ साथ आपका टीएम ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम और एक रजिस्ट्रेशन है लगता है। तो साइजेस के ऊपर से उसकी कैलकुलेशन की आज हम बात नहीं करेंगे, तो टीएम और रजिस्ट्री आपकी लगती है, बाकी जो पार्टी की जो बैलेंस पेमेंट है वो आपको देनी होती है। अगर आपने होम लोन कराया है तो होम लोन में बैंक फाइनेंस जब होता है तो बैंकर चेक जो सेलर को देता है वो रजिस्ट्री वाले दिन ही अपना वो लेकर आता है अपना चेक। तो दोस्तों ये हमने आज आपको अपार्टमेंट्स की विजिट कराई, गौर सिटी 11th एवेन्यू, एक बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है गौर सिटी की। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, धन्यवाद। आगे भी देखते रहिएगा, धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।